हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। अनदर क्वेश्चन, अनदर डाउट ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो डाउट को छोड़ना नहीं है, डाउट को निपटाते रहना है, और जब तक जेई मेंस खत्म नहीं होता, जेई एडवांस खत्म नहीं होता, हमें लगे रहना है। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस। ये है अप्रैल 15 2018 को आ चुका है और 2015 में भी आ चुका है, दो बार आ चुका है ये क्वेश्चन आपके सामने। ये है, कह रहा है कि लेट एफ एक्स बी अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 4 हैविंग एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एट एक्स इज इक्वल टू 1 एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड लिमिट दिस 1 इज इक्वल 3 देन एफ माइनस 1 इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं बच्चों, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसका मेथड नहीं पता है, इसीलिए घबरा जाते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ बोला गया है पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 4, तो यहाँ पर मैं एफ एक्स क्या लूंगा, ए एक्स 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर लूंगा। आपको ना नीचे एक्स स्क्वायर को देखना पड़ेगा, थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ डी एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो ये तो 1/x के फॉर्म में बचेगा और यहाँ x टेंस टू 0 है। तो इसके बाद अगर आप कोई फंक्शन लेते हो ना 2 1, फिर यहाँ पे e ले लोगे और एक्स स्क्वायर है नीचे में, राइट, लिमिट है यहाँ पर, तो इस फॉर्मेट में आपको क्या मिलेगा देखने को। ये यहाँ तक तो चलो ठीक है, बात समझ में आती है, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स की वैल्यू ज्यादा है तो 0 हो जाएगा यह फंक्शन, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो डी एक्स पर एक्स स्क्वायर है, तो डिनोमेटर का पावर ज्यादा है और एक्स टेंस टू 0 है, तो ये नॉट डिफाइंड फंक्शन आ जाएगा। एक्स 0 अगर डालेंगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, यानी कि ये वाला पोर्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस एक्स स्क्वायर। तो आप एफ एक्स को यहीं तक ले पाओगे, आप एफ एक्स को सिर्फ यहीं तक ले पाओगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 है, यानी कि इस पूरे जो इफेक्ट जो वेरिएशंस है, जो वेरिएबल है, इस पूरे की जो वैल्यू लिमिट के साथ वो 2 होनी चाहिए, तभी तो आपको ये टोटल 3 मिलेगा। तो आप यहां लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन x स्क्वायर की, इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए, तभी तो 1 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा। यहां तक तो ऑल क्लियर है, आपको दिख रहा है बच्चों, बढ़िया। तो ये आपको इस यहाँ पे आप यहाँ तक आ चुके हैं। अब आप एफ एक्स को क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स को क्या लिखोगे, ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिखोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट्स के फॉर्मूले वगैरह हम लोग लगा देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर कॉमन ले लोगे, ये कट जाएंगे, इस पूरे की वैल्यू 2 आएगी, 2 होनी ही चाहिए, x 0 x 0 तो c की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, राइट, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब लिखोगे 0 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 2, दैट मींस c इज इक्वल टू 2, c की वैल्यू आपको मिल गई 2, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो हमारे को यहाँ पे बोला गया है कि एक्सट्रीम वैल्यूज है x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे। अब जो आपको एफ एक्स लिखना है वो क्या लिखना है, ए एक्स 4 लिखना है, बी एक्स क्यूब लिखना है और सी एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास एफ एक्स मिलेगा, ठीक है ना। ये 3 है यहाँ पर, तो अजीब सा लिख दिया मैंने, दिस इज 3। अब मैक्सिमम मिनिमम में हम लोगों ने पढ़ा है एक्सट्रीमम वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालोगे, पहले 4 ए एक्स क्यूब हो गया प्लस 3 बी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4 एक्स हो गया, राइट, 4 ए एक्स 3 से ये मिल गया आपको। अब आप अगर एफ वन डालोगे एफ डैश 1 तो 0 मिलेगा आपको, एक्सट्रीम वैल्यूज डिवाइड बाई डी एक्स 0 होता है ना एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, एक्स की जगह 1 डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 4 ए प्लस 3 बी प्लस 4। और एफ डैश 2 की अगर बात करें हम लोग, एफ डैश 2 तो एक्स की वैल्यू आप 2 डालोगे, ये हो जाएगा 32 ए और ये हो जाएगा 12 बी प्लस 8 हो जाएगा ये। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, मतलब वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 ए 12 बी प्लस 16 ये होगा,
इसका अगर मैं माइनस कर दूं, दिस माइनस दिस ये हो जाएगा 16a, ये दोनों कट जाएंगे और माइनस एट इक्वल जीरो, ए की वैल्यू मिल गई हाफ, ठीक है ना, ए की वैल्यू मिल गई हाफ। इसे हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, ए की वैल्यू हाफ मिल गई। वापस यहाँ ए की वैल्यू मैं हाफ डालने वाला हूँ, तो 4 इंटू हाफ प्लस 3b प्लस 3b प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, बी की वैल्यू हो गई माइनस टू, सॉरी बी की वैल्यू आ गई माइनस टू। देखो ए की वैल्यू आ गई हाफ, बी की माइनस टू और सी की वैल्यू है 2, तो आपको एफ एक्स मिल गया ना, ए की वैल्यू कितनी हाफ है, तो हाफ एक्स 4 हो गया, माइनस 2x³ हो गया और सी एक्स स्क्वायर है, सो 2x² मिल गया आपको, ये एफ एक्स मिल गया। आपको फाइंड करनी है एफ माइनस 1, तो इसकी जगह माइनस 1 डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा देखते हैं, 1/2 प्लस 2 प्लस 2 ये हो गया 4 इज 8, 9/2 आपको 9/2 मिल गया, ठीक है बच्चे, तो इसको आपको वैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपके पास और भी कोई डाउट है तो मुझे भेज सकते हैं, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि जेई नीट का टाइम कम है, सिर्फ 5-6 महीने बचे हैं, हमें जेई भी फोड़ना है और मेंस और एडवांस भी फोड़ना है। बाय बच्चों, टेक केयर।